ये मैं क्या सुन रही हूँ नंदिनी? तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? How could you, नंदिनी? नंदिनी से कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। सही कहा, सवाल तो तुमसे करना चाहिए। मिस अनुपमा, नॉट शाय एनीमोर। टेल मी व्हाई, तुमने इतनी बड़ी बात हम सबसे कैसे छुपाई? क्या सोच के? तब बताओगी जब इन दोनों की शादी हो चुकी होगी, ताकि बाप मैं या कोई भी कुछ कर ना पाए। आप क्यों चुप खड़ी है? बोल। भाभी, अगर आपको पता था तो आपने हमें बताया क्यों नहीं? जो हुआ सब तुम्हारी गलती है। आपके लिए तो दुनिया की हर बात मेरी गलती है। खराब घड़ी भी दिन में दो बार सही होती है, पर आपके लिए तो मैं कभी भी सही नहीं हो सकती। पर आज मैं सही हूं। मुझे नहीं पता था कि नंदिनी मां नहीं बन सकती, पर अब पता है, और वो इसलिए क्योंकि नंदिनी ने खुद ये बात मुझे बताई है। वो चाहती तो ये बात छुपा सकती थी, शादी के बाद बता सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसने वो किया जो सही है। अच्छा, तो ये सही है और हम गलत? आप गलत नहीं है बाप, पर आप जो अभी कर रही है ना, वो गलत है। आपको तो नंदिनी का दुख बांटना चाहिए, उसका दर्द समझना चाहिए, उसके सर पे हाथ रखना चाहिए, और आप उल्टा उससे नाराज हो रही हैं। किससे बात? तो क्या करूं, इसकी आरती उतारूं? ये इतनी छोटी सी बात है? ना बात छोटी है और ना ही दुख छोटा है, और ये दुख तो बस एक औरत ही समझ सकती है। मिस्टर शाह तो वैसे भी दूसरों का दुख और तकलीफ समझने में थोड़े कच्चे हैं, पर आप, मैं, डोली बहन, हम लोग तो इसे समझ सकते हैं ना बा? आप सब समर और नंदिनी पे नाराज हो रहे हैं, पर मुझे इन पे गर्व है, क्योंकि नंदिनी ने सच छुपाकर रिश्ता जोड़ा नहीं और समर ने सच जान के रिश्ता तोड़ा नहीं। मुझे अपने बेटे पर और अपने परवरिश पर गर्व है। आपको नहीं है? अगर नहीं है तो होनी चाहिए, क्योंकि जिस बेटे को आप हमेशा से नीची नजरों से देखते आए हैं, आज उसकी सोच इतनी ऊंची हो गई है कि उसकी तरफ देखेंगे ना तो गर्दन में मोच आ जाएगी आपके। आप मां न बनने का दुख नहीं समझ सकते, पर प्रेम तो समझ सकते हैं ना? आपने भी प्रेम किया है। बात को घुमाओ मत अनुपमा, बात यहां पे समर के इमोशंस की नहीं है, नंदिनी की सच्चाई की है। नंदिनी समर से उम्र में बड़ी है, फिर भी मैंने इनका रिश्ता माना। क्या नंदिनी समर से बड़ी है? बा? क्या बा, बा? क्या बा? मैं कुछ गलत कह रही हूं? यही सच है ना? अगर ये सच है तो है, जो है सो है, जो है सो है, जो है सो है। ये सुन सुन के ना मेरे कान पक गए। ये तेरी जो है सो की रट में ही ना तूने हमारे कुटुंब के टुकड़े कर दिए। अब ऐसी बहू तू मेरे घर में लाना चाहती है? अरे समर को फर्क पड़े ना पड़े, तुझे फर्क पड़े ना पड़े, पर मुझे फर्क पड़ता है। मुझे नंदिनी से नहीं, उसके सच से दिक्कतें और रहेगी। क्यों बा? जब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे परेशानी नहीं है, तो आपको परेशानी क्यों है? क्योंकि मुझे महान नहीं बनना है, मुझे परदादी बनना है। अरे तू तो तलाक लेके साइड हो गई, अब इस परिवार और कुटुंब के नाम का, इसके वंश को आगे बढ़ाने का मुझे सोचना पड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रही है बा? वंश को आगे बढ़ाना ज्यादा जरूरी है कि बच्चों की खुशी ज्यादा जरूरी है? Are you out of your mind? समर और नंदिनी अभी बच्चे हैं, इनको पता नहीं कि फैमिली की और बच्चों की इंपॉर्टेंस क्या होती है। लेकिन जब ये लोग बड़े हो जाएंगे, मेरी तुम्हारी उम्र में पहुंचेंगे, बा की एज में पहुंचेंगे, तब इन्हें समझ में आएगा कि बच्चों की और फैमिली की इंपॉर्टेंस क्या होती है। बुढ़ापे में अगर कोई बच्चा नहीं हो ना आसपास, कोई हलचल पूछने वाला नहीं हो, तब इन्हें समझ में आएगा कि एक फैमिली के लिए बच्चे कितने इंपॉर्टेंट हैं। हे, पर उनके लिए जिन्हें बच्चे चाहिए होते हैं,
दुनिया में ऐसे कितने सारे जोड़े हैं जिन्हें आजकल बच्चे चाहिए नहीं। हम उन लोगों में से नहीं हैं। हम हमारी बात नहीं कर रहे, हमारे बेटे की बात कर रहे हैं। क्योंकि अभी बच्चा है, कल इसे समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी गलती कर रहा है। गलत हो या सही, इसे अपनी जिंदगी के फैसले लेने का पूरा पूरा अधिकार है। लेकिन अगर वो फैसला गलत हो तो उसे रोकना हमारा फर्ज है। कल को अगर इन्हें बच्चे चाहिए होंगे तो ये गोद भी ले सकते हैं। माँ बच्चे को जन्म देने से बनती है, गोद लेने से नहीं। वाह, माँ बच्चे को जन्म देने से या गोद लेने से माँ नहीं बनती, माँ मन से बनती है। माँ वो होती है जिसके मन में ममता हो, बस। अरे पर वो नंदिनी के अपने बच्चे तो नहीं होंगे ना, होंगे तो पराए ही ना। बाप कान्हा जी यशोदा मैया के खुद के बच्चे थे या पराए? अरे वो भगवान थे, हम इंसान हैं। हमें ऐसी बहू चाहिए जो हमारा वंश आगे बढ़ा सके। अंकल प्लीज, आप मेरी वजह से आंटी पर गुस्सा मत होइए। अगर नंदिनी माँ नहीं बन सकती तो इसमें इसकी क्या गलती है? अगर ये एक्सीडेंट शादी के बाद होता तब ये प्रॉब्लम होती, फिर आप लोग क्या करते? I don't understand कि बच्चे को लेके इतना बड़ा इश्यू क्यों बन रहा है। और मासी आप क्यों चुप है? Why you not saying anything? आपने भी तो बेबी ना करने का डिसीजन लिया था ना, तो अब आप मुझे सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? अंकल और बाकी गुड बुक्स में रहने के लिए अब आप अपनी भांजी के लिए भी स्टैंड नहीं लेंगी। नंदिनी, यू नो वॉट, आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट करना इज पॉइंटलेस, क्योंकि आप काव्या है, अनुपमा नहीं। आप सिर्फ अपने लिए लड़ सकती है, सिर्फ अपने लिए स्टैंड ले सकती है, दूसरों के लिए तो सिर्फ ये स्टैंड ले सकती है। तुम मासी भांजी बाद में लड़ लेना, पहले जो बात हो रही है उस पर बात करो। ठीक है बा, उसी टॉपिक पे बात करते हैं। बाप मुझे बताइए कि कूलडूट के पिता का क्या नाम था? इंदुलाल शाह। उनके पिता का? दशरथ लाल शाह। उनके पिता का? पागल हो गए क्या? इतनी दूर का मुझे कैसे पता चलेगा? एग्जैक्टली, आपको ये भी नहीं पता कि आप किसका वंश चला रही हैं। बस वंश आगे बढ़ना चाहिए, किसका बढ़ना चाहिए वो नहीं पता आपको। समर। ओके ओके गाइस, रिलैक्स। आई एम सॉरी, मुझे आप लोगों के बीच में बोलने का हक नहीं है, ये आपका जाति, आपका फैमिली मैटर है, लेकिन एज ए डॉक्टर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। नंदिनी माँ नहीं बन सकती, आज मेडिकल साइंसेज में ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं जिनकी मदद की वजह से ये दोनों पेरेंट्स बन सकते हैं। लेकिन गाइस, ये वक्त ये सब बातें करने का नहीं है, ये वक्त है एंजॉय करने का। ये भगत प्लीज, मेरे फैमिली मैटर में अगर आप ना ही बोले तो अच्छा रहेगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। आई थिंक आई शुड लीव, रियली सॉरी। घर वालों की नहीं, एटलीस्ट डॉक्टर आदि की रिस्पेक्ट कर लेते हैं आप। यस शट अप पापा, प्लीज आप शांत हो जाइए ना। और समर तू चुप रहना। कैसे चुप रहूं भाई मैं, कैसे चुप रहूं? आप देख रहे किस टॉपिक पे बहस कर रहे हम लोग। अगर वंश आगे बढ़ाना तो भाई है, किंजल भाभी है, या फिर मैंने वंश आगे बढ़ाने का ठेका ले रखा है। 22 साल का हूं मैं और 22 साल में हम बच्चे डिस्कस कर रहे हैं। इट्स लाइक जो देश के 140 करोड़ लोग नहीं उखाड़ पाए वो मेरा बच्चा आके उखाड़ेगा। समर चुप, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? हम लोगों ने रूम में क्या बात की थी? मैंने तुझे क्या समझाया था? पर ये समझे तो ना। आप भी कहां समझ रहे हैं? तुम चुप रहो, ये तुम्हारी शय का नतीजा है जो ये इतना बदतमीज हो गया है। आपको हमेशा दूसरों की सही बात बदतमीजी लगती है और अपनी बदतमीजी सही बात। हाँ, यहाँ पे तो बस तुम और तुम्हारा बेटा दोनों सही है, बाकी हम सब तो पागल है। मैंने बस करो, तुझे चाहे जो बोलना है वो बोल, जितनी दलीलें देनी है दे, पर नंदिनी इस घर की बहू नहीं बन सकती। ये सगाई, ये रिश्ता यही खत्म। नंदिनी मां नहीं बन सकती, इसलिए मेरे घर की बहू नहीं बन सकती। मेरा भी यही फैसला है।
और अब अगर तुझे हीरो बनना है और अपने भाई की तरह घर से भागना है और भागकर शादी करनी है तो कर, पर उसके बाद में तू मेरे घर में पैर नहीं रखेगा। और अगर तूने इस नंदिनी से एक बार रिश्ता जोड़ लिया तो तेरा शाह परिवार से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म। उसके बाद तू अपनी मां का बेटा हो सकता है, उसके साथ रह सकता है, लेकिन शाह परिवार में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। डोंट फॉरगेट दैट। और ये बात यही खत्म। नहीं बा, ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। मतलब तू मेरी बात टालेगी? नहीं बा, पर मैं अपनी बात जरूर कहूंगी। बा ने कहा बात खत्म तो बात खत्म। और मैंने भी कहा कि बात ऐसे खत्म नहीं होगी। एक माँ होके किसी की बेटी को अपनी बहू बनाने से इसलिए मना कर दूं क्योंकि वो माँ नहीं बन सकती, ये मुझसे नहीं होगा। और अगर एक औरत के लिए माँ बनना ही सब कुछ होता तो दुनिया देव की माँ को याद रखती, यशोदा मैया को नहीं। बात जैसे आपके लिए आपके बेटे का वंश बढ़ाना जरूरी है, मेरे लिए मेरे बेटे की खुशियां ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए मेरे हिसाब से ये सगाई होनी चाहिए। हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं हो सकती। मैं भी इसका बाप हूं और मेरे हिसाब से ये रिश्ता नहीं हो सकता। और मेरे लिए मेरे बेटे की मर्जी मायने रखती है, बाहर वालों की नहीं। ये मत भूल कि तू अब अनुपमा है, सिर्फ अनुपमा, शाह परिवार की बहू नहीं, और इसलिए हमारे परिवार के फैसले लेने का तुझे कोई अधिकार नहीं है। धरती जितना दुख सहे माँ, फिर भी कुछ ना। बा इज राइट, तुम्हारे नाम के आगे अब शाह नहीं है, पर समर अभी भी समर वनराज शाह है। अनुपमा, अनुपमा, अब समझ में आया कि हमारे समाज में औरत तलाक लेने से डरती क्यों है। वो तलाक से नहीं डरती, तलाक के बाद आने वाले बदलाव से डरती है। तलाक के बाद उसका उस परिवार से रिश्ता ही नहीं, अपनापन भी खत्म हो जाता है। उसका अपने बच्चों की जिंदगी के फैसलों के बारे में बोलने का हक भी चला जाता है। 25 साल में जिस परिवार में, जिस घर में एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ बन के रही, आज मुझे कहा जा रहा है कि उस परिवार के फैसले में बोलने का मेरा कोई हक नहीं। को 25 घंटे भी नहीं हुए हैं और मेरी 25 साल की सेवाएं से सब खत्म। नीलबट्टे सन्नाटा, खैर
यहाँ मेरी नहीं, मेरे बच्चों की, मेरे समर और नंदिनी की बात हो रही है। मेहरबानी करके मेरा गुस्सा उन पे मत उतारिएगा। जो भी फैसला लेना है शांति से, ठंडे दिमाग से सोच समझ के लीजिएगा, चित में गुस्से में आके नहीं। क्योंकि चित टूटे ना टूटे, चित के वजह से रिश्ते जरूर टूट जाते हैं। फिर वही भाषण, तू पूरे दिन भाषण देती रहे, पर मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मेरा भी नहीं। पर काव्या तुम्हारा क्या कहना है? बाप बड़ी हैं, समझदार हैं, तो उन्हें डिसाइड करने देते हैं ना। किसी को कुछ डिसाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सब चाहते हैं कि ये सगाई ना हो तो ये सगाई नहीं होगी। शादी भले मेरी समर से होगी, पर रिश्ता तो मेरा पूरे परिवार के साथ जुड़ेगा ना। और ऐसा रिश्ता मुझे नहीं चाहिए जिसमें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही ना हो। चाहिए तो सब चाहिए, सबका प्यार, सबका आशीर्वाद। मैं अंकल को हक से पापा बुलाना चाहती हूँ, बाप को हक से बाप बुलाना चाहती हूँ, हक से तोशु भाई की बहन और पाकी की भाभी बनकर आना चाहती हूँ। ऐसे नहीं जबरदस्ती सबकी खुशी के खिलाफ जाकर नहीं। सॉरी आंटी, सॉरी समर, लेकिन मैं ये सगाई नहीं कर सकती। मैं भी नहीं। अगर ये सगाई होगी तो सबकी खुशी सबके आशीर्वाद के साथ होगी, वरना नहीं होगी। मुझे अपने बच्चों के फैसले पे गर्व है, इसलिए मैं इनके साथ हूं। पर एक बात जरूर कहूंगी, हम इनका रिश्ता रोक सकते हैं, प्यार नहीं। प्यार तो ऐसी चीज है जो खुद के रोकने से भी नहीं रुकती, और ये बात आपसे ज्यादा कौन जान सकता है मिस्टर शाह। पति छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, पर ये तमाशा करना नहीं छोड़ पाए। तुझसे मैं आखिरी बार ये सवाल पूछ रहा हूं, बहुत सोच समझ के जवाब देना। तुझे अपनी मां के साथ रहना है या अपने परिवार के साथ? जहां मेरी मम्मी वहीं मेरा परिवार। ये फंक्शन और ये तमाशा यहीं खत्म, सब चलो। सॉरी, बहुत बहुत सॉरी। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए, आज भले ही सब नाराज है, पर मैं तुम दोनों से वादा करती हूं कि तुम्हारी सगाई होगी, और जब भी होगी ना तो सबके आशीर्वाद के साथ होगी। सारे रिश्तों को निभाती अब भी सूरज को उगाती, अब भी बेटी, अब भी माँ।
प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।